नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर सिंह और आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरीके से दोस्तों कंप्यूटर पर आधारित है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर का जितना भी नॉलेज है दोस्तों वो सबका सब मैं आज इसमें बताने वाला हूं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर समय क्या होता है, खुद क्या होता है कंप्यूटर, ये सब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। और कंप्यूटर का आज इसमें आपको जो है इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, इतना नॉलेज आपने आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ कोई भी नॉलेज नहीं देता आपको, एक साथ कोई भी यूट्यूबर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर एक साथ नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा दोस्तों पहला सवाल यही है, व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या डिवाइस है जो यूजर द्वारा भेजे गए इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा के रूप में प्रदान करने में सक्षम होता है, साथ ही यूजर द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों का पालन करता है और डाटा का स्टोर तथा डाटा का पुनरुत्थान और डाटा प्रोसेसिंग करने में सक्षम होता है, वह कंप्यूटर कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों हम जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं, जो भी उसको आदेश देते हैं वो कहलाता है इनपुट, और जो भी हमें दोबारा देखने को मिलता है उसके आउटपुट के रूप में उसे आउटपुट कहते हैं, क्योंकि जो भी हम टाइप करते भेजते हैं और दूसरा जो हमारे को देखने को मिलता है कंप्यूटर की तरफ से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की तरफ से, तो वो होता है दोस्तों आउटपुट। आउटपुट डाटा जो होता है वो हमें दिखाई देता है, जो भी कंप्यूटर की तरफ से दोबारा जो जवाब में मिलता है, आंसर के रूप में मिलता है, वो होता है आउटपुट डाटा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से कंप्यूटर क्या है ये तो समझ आ ही गया है, साथ आप इसकी परिभाषा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए वीडियो में। तो दोस्तों इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यही दूसरा सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बड़ा ही अच्छा ग्राफिक्स बनाया है, आज तक ऐसा ग्राफिक्स किसी ने नहीं बनाया है, और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, एक साथ कंप्यूटर का नॉलेज कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी बुक में एक साथ जो है नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। मैंने इसे जोड़ जोड़ कर बड़ी मेहनत से बनाया, पूरा मुझे एक दिन लगा है, तो आप इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर क्या है ये तो मैं समझ में आ गया, दूसरी बात कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दोस्तों मुख्य तौर पर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे दिखते हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले आप ध्यान लगा कर समझिए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साथ में दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के जो भाग है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। हमारे जो कंप्यूटर है या फिर जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, बाकी हाई क्लासिक कंप्यूटर है, ये भी आगे मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला स्वदेशी यानी कि भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, भारत का स्वदेशी कंप्यूटर जो भारत द्वारा बनाया गया है, स्वदेशी कंप्यूटर है जिसका नाम है परम 8000। ये काफी जो है एग्जाम होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड, उसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम CDC 6600 था। तो दोस्तों दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम CDC 6600 था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है कि यह कंप्यूटर काम क्या आते हैं आखिर, जिनका अभी हमने फुल फॉर्म पढ़ी या फिर जिनका नाम पढ़ा वो काम क्या आते हैं। तो उनका सबसे पहला जो हमने प्रकार पढ़ा था दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं, पहला जो प्रकार था एनालॉग कंप्यूटर, तो अभी हम बताएंगे जो मैं अभी आपको जो बताऊंगा नॉलेज जो आप जानेंगे वो पहले सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, ये कहां काम आता है और ये दिखता कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, यह कंप्यूटर कंप्यूटरीकृत समस्याओं का समाधान करता है, साथ ही ऐसे संकेतों का आंकलन करता है जो नई वस्तु के निर्माण में सहायक हो, वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर खुद को, कंप्यूटर जो बनते हैं वो भी एनालॉग कंप्यूटर ही निर्माण करता है इनका, और जो भी उसके अंदर नई कोडिंग होती है, कुछ भी नया समाधान करना होता है या फिर जो भी उसके अंदर जो समस्या आ रही है कंप्यूटर रिलेटेड, उनका समाधान ये सबसे बड़ा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर करता है। दोस्तों जितने भी सुपर कंप्यूटर हो चाहे कोई भी हो, उन सब का समाधान जो है समस्याओं का वो एनालॉग कंप्यूटर करता है। दोस्तों ये बहुत ही महंगा और कम मिलने वाला है, बहुत ही बड़े विशाल क्षेत्र चाहिए इसके लिए एनालॉग कंप्यूटर के लिए, क्योंकि ये विशाल आकार का होता है और ये एक साथ एक व्यक्ति से नहीं चला सकता, बहुत सारे व्यक्ति मिलाकर एक कंप्यूटर को चलाते हैं। दोस्तों ये इतने विशालतम होते हैं और ये जो है बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में यूज होते हैं या फिर बड़े बड़े सरकारी जो है
उपयोग है या फिर जहां पर उपयोग होता है सरकारी उपयोग वहां पर यूज होते हैं दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण करने वाला ही जनदाता है या फिर इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, कंप्यूटर का निर्माता मान सकते हैं इसे, तो दोस्तों वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आपको कैसे दिखने को मिलेंगे या फिर एनालॉग जो कंप्यूटर है वो कैसे दिखते हैं जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों ये देखिए एनालॉग कंप्यूटर छोटे दिखते हैं यहाँ से, ये सिर्फ एनालॉग कंप्यूटर का एक भाग है यानी कि एक पार्ट है, इसका जो पूरा का वायरिंग वगैरह जो सिस्टम है वो अलग है दोस्तों। ये एक भाग मैंने बताया आपको कि एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य भाग ऐसा दिखता है दोस्तों, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों सवाल आता है, दूसरा सवाल यानी कि दूसरा प्रकार कौन सा है कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर, जिसके अंदर चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये तो मैंने पहले प्रकारों में बता दिया है जो इसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे उसमें पहला था एनालॉग, दूसरा है डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, यह कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े और इनकी डाटा भंडारण क्षमता सीमित होती है, साथ ही यह कंप्यूटर तेज गति से काम करते हैं, इसलिए यह डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है दोस्तों लिखने में, इतना सारा सब ग्राफिक्स तैयार किया है तो दोस्तों यहाँ पर यह कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े और इनकी डाटा भंडारण क्षमता सीमित होती है, साथ ही यह कंप्यूटर तेज गति से काम करते हैं, इसलिए यह डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पढ़कर, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आकार में सबसे विशाल होते हैं क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर ही ऐसे कंप्यूटर है जिनको हम रोजाना के काम में या फिर जो जितने भी वैज्ञानिक काम होते हैं कोई भी होता है उसमें यूज होते हैं, तो ये सारे जो अभी वर्तमान समय में ज्यादा यूज होने वाले कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों शुद्ध तो नहीं होते, शुद्ध यानी कि इसमें डाटा जो है वो शुद्ध भंडारण में नहीं होता, शुद्ध जो डाटा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ये कंप्यूटर बहुत बड़े तौर पर चलते हैं, बहुत बड़े आकार या विशालतम क्षेत्र में चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं, चार प्रकार मैंने आगे बताए थे, उसका जो है हम नॉलेज जान लेते हैं, चार प्रकार के कौन कौन से कंप्यूटर है और वो काम क्या आते हैं, उसकी जो परिभाषा क्या है, दिखते कैसे है। डिजिटल कंप्यूटर में ये कंप्यूटर है और इनके मैं आपको आकार फोटो वगैरह सब दिखाऊंगा। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर पहला जो कंप्यूटर है दोस्तों वो है सुपर कंप्यूटर। हाँ दोस्तों आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में बहुत सब जगह सुना होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर भारत का था परम 8000। सुपर कंप्यूटर भारत का जो सुपर कंप्यूटर स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था, मैंने आगे बताया था परम 8000 कंप्यूटर था। और दोस्तों यहाँ देखिए यह कंप्यूटर अत्यंत विशाल आकार के और अति सूक्ष्म गणनाएं तुरंत कर लेते हैं, साथ ही इनमें एक साथ कई सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम करते हैं तथा इनकी कार्य करने की क्षमता अत्यधिक तेज होती है, इसलिए यह सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारे कंप्यूटर जो छोटे कंप्यूटर होते हैं उनमें एक ही सीपीयू होता है, लेकिन इसमें 2-3 हजार सीपीयू एक साथ काम करते हैं लगभग। तो दोस्तों ये दिखते कैसे है सुपर कंप्यूटर, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, इमेजेस के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इन इमेजेस के जरिए आप देख लीजिए कितना विशालतम क्षेत्र जो है ये घेरते हैं। ये दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये कई सारे सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये जो पार्ट है आपको नजर आ रहे हैं ये जो है एक ही सुपर कंप्यूटर के, यानी कि एक लाइन में कम से कम जो है ये जितने भी कंप्यूटर आपको नजर आ रहे हैं ये एक कंप्यूटर ही है, और ये जो जितनी लाइनें आपको नजर आ रही है इसका एक एक भाग है, यानी कि एक लाइन एक कंप्यूटर, यानी कि जितने भी आपको डिवाइसेस अभी नजर आए। तो दोस्तों इसमें जो है सुपर कंप्यूटर में जो है क्या काम करता है सुपर कंप्यूटर, अभी जो है ये लिखा हुआ आ गया, मैंने लिखा ग्राफिक्स के जरिए। सुपर कंप्यूटर का काम होता है मौसम की भविष्यवाणी करना, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग। दोस्तों भविष्यवाणी जितनी भी मौसम की होती है मौसम विभाग हमें जानकारी देता है, तो ये जो है सुपर कंप्यूटर का ही काम होता है, जो जितने भी यूज होते हैं मौसम की भविष्यवाणी में जितनी भी बिजली वगैरह। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रडार का भी एक जो है ग्राफिक्स तैयार किया है, दिखाया आपको, ये देखिए ये रडार के जरिए जितने भी हमें दिखाई देते हैं तो इनके पीछे कंप्यूटर का ही हाथ होता है, यानी कि कंप्यूटर के जो कंप्यूटर पार्ट होता है वही दिखाता है। दूसरा जो इसमें प्रकार है सुपर कंप्यूटर का, दूसरा काम है भूकंप की जानकारी। दोस्तों जितने भी भूकंप आते हैं तो उनसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है मीडिया के थ्रू, सैटेलाइट कंट्रोल्स के थ्रू, तो यहाँ पर दोस्तों भूकंप की जो जानकारी देते हैं कि भूकंप आने वाला है, पृथ्वी पर जो है कंपन होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये भी दोस्तों जानकारी होती है, वो सिर्फ ओनली फॉर जो है सुपर कंप्यूटर के थ्रू संभव है। तो दोस्तों बड़े आकार बड़े क्षेत्रों में जितने भी यूज होते हैं वो सुपर कंप्यूटर ही यूज होते हैं दोस्तों, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में ही सब कुछ संभव है दोस्तों। अभी जो डिजिटल कंप्यूटर बनाए गए यानी कि पहले कंप्यूटर बड़े थे, अभी जो उनको है जो मॉडिफाई करके छोटा भी बनाया गया है, लेकिन सुपर कंप्यूटर तो वही होंगे, विशाल होंगे, तो उनको भी और छोटा बना दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो तीसरा सुपर कंप्यूटर का काम है, पहला कौन सा था आपने देख लिया, दूसरा कौन सा था, और तीसरा जो है
संचार का यानी कि कम्युनिकेशन, जितने भी सैटेलाइट कंट्रोल है, सैटेलाइट से जितनी भी पृथ्वी पर जानकारी आती है, सैटेलाइट से जितनी भी जानकारी आती है सैटेलाइट पर वापस जो हम सिग्नल भेजते हैं, तो ये सारा का सारा जो काम होता है सैटेलाइट कंट्रोल का, वो जो है सुपर कंप्यूटर के ही थ्रू किया जाता है। दोस्तों साथ में मैं आपको अभी बहुत बड़ी ज्ञान की चीज बताने वाला हूँ कि जितने भी रॉकेट, सैटेलाइट मिसाइल से लेकर सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जितने भी यहां से भेजे जाते हैं पृथ्वी से, तो जितने भी जिन देशों ने जो है इसरो वगैरह यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं या फिर जितने भी जो है सैटेलाइट्स में मिसाइलें भेजी जाती है यहाँ से, तो ये सारे के सारे जो है बनाए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू बनाए जाते हैं, तभी ऊपर भेज पाते हैं और इनका जो कंट्रोल रहता है वो भी सुपर कंप्यूटर ही करता है। और दोस्तों जितने भी इसरो के अलावा नासा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, दोस्तों ये नासा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर, इसी में जो है पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। दुनिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को जो है नासा के कामों के लिए ही बनाया गया था, जिसका मैंने CDC 6600 नाम बताया था, वो केवल और केवल नासा के काम के लिए बनाया गया था दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल जो है स्पेस सेंटर है इसके लिए बनाया गया था। तो दोस्तों जितने भी सैटेलाइट आप देख रहे हैं अभी, तो ये सारे के सारे सैटेलाइट बनाने का काम होता है, जो भी सैटेलाइट ऊपर भेजने का काम होता है, फिर उनको वापस कंट्रोल करने का काम होता है, ये सब कुछ जो है सुपर कंप्यूटर के ही थ्रू किया जाता है। बिना सुपर कंप्यूटर के ये जो है संभव नहीं है। सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में इसलिए आते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको मॉडिफाई करके पहले के आकार से थोड़ा छोटा बनाया गया है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को ज्यादा छोटा कर नहीं सकते, यदि ज्यादा छोटा करेंगे तो इसमें डाटा भंडारण क्षमता कम हो जाएगी और ये सारे के सारे काम जो है वो संभव नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अभी जो मैं प्रकार बता रहा हूँ, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर का दूसरा प्रकार, पहला था सुपर कंप्यूटर, दूसरा जो है मैन फ्रेम कंप्यूटर, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। पहला था जो प्रकार था कंप्यूटर का सबसे आम तौर पर, वो था एनालॉग, उसके बाद डिजिटल, ये जो अभी पार्ट्स है ये डिजिटल कंप्यूटर के है। पहला था जो अभी सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मैन फ्रेम कंप्यूटर। आज जो है आपको कंप्यूटर के अलग अलग भागों के नाम और उनकी परिभाषा और उनके इमेजेस सब कुछ देखने को मिलेगा, जितने भी दुनिया में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है वो आपको आज इस वीडियो में सभी जो है मिल जाएंगे। आपको जो है एक साथ नॉलेज फ्रेंड्स कोई भी नहीं देगा, और ये जो है अभी वीडियो चाहे भले ही बड़ा है लेकिन इसमें जो है सारी की सारी नॉलेज के थ्रू चीज है, आप कहीं भी एग्जाम देंगे कुछ भी करेंगे तो ये आपके जरूर काम आएंगे, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बड़ा बनाया है ताकि आपको जो है आराम से समझा सकूं। दोस्तों क्या है कि मैं फास्ट बोलता हूं, इसमें जो है थोड़ा मैं आपको आराम से समझाऊं। तो दोस्तों यहां पर देखिए मैन फ्रेम कंप्यूटर, इन कंप्यूटर का उपयोग, ये मैन फ्रेम दूसरा वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर का उपयोग बड़े बड़े संस्थानों में किया जाता है। यह माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं। माइक्रो और मिनी कंप्यूटर क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों इनकी तुलना आंकड़ा संस्करण क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह मैन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों इन कंप्यूटर का जो है बड़े बड़े सरकारी संस्थान हो या फिर प्राइवेट संस्थान हो उनमें यूज किया जाता है, और ये माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक तीव्र गति से कार्य करते हैं। और दोस्तों इनके जो आंकड़े होते हैं आपने देखे होंगे, नंबरिंग जो कोडिंग होती है वो संस्करण क्षमता इनमें सबसे अधिक होती है, इसलिए ये बड़े बड़े संस्थानों में जो है सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैन फ्रेम कंप्यूटर का आपको जो है फ्रेम देखने को मिलेगा, यानी कि इसका इमेज, मैन फ्रेम कंप्यूटर कैसे दिखती है। सुपर कंप्यूटर को आपने देख लिया किस प्रकार के दिखते हैं, मैन कंप्यूटर जो है मैन फ्रेम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे आकार के होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उन्हें काम ज्यादा करना पड़ता है, इन्हें काम कम करना पड़ता है, इसलिए जो है इनका आकार छोटा है। वो बड़े बड़े यानी कि दुनिया में जितने विशालतम काम होते हैं वो उनके थ्रू किया जाता है, लेकिन जो अभी मैन फ्रेम कंप्यूटर है उनके थ्रू जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है निजी संस्थाएं हो फिर सरकारी संस्थाएं हो उनमें काम किया जाता है। दोस्तों तो इसमें जो है पहला ही काम किया जाता है, यानी कि एक ही काम किया जाता है बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं में। सुपर कंप्यूटर के हमने पढ़े थे वो तीन काम थे अलग अलग, मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी, सैटेलाइट कंट्रोल्स वगैरह संचार का, वो सब सुपर कंप्यूटर करते हैं। मैन फ्रेम कंप्यूटर है उनका छोटा काम करते हैं, यानी कि जो आज के जो वर्तमान युग में जो काम हो रहा है वो जो है नॉर्मली तौर पर जो है मैन फ्रेम कंप्यूटर करते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपको जो है अभी मैं सरकारी संस्थान बताने जा रहा हूँ या फिर निजी प्राइवेट कंपनियों के संस्थान बताने जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट बताने जा रहा हूँ, इन सभी में जो काम होता है वो मैन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, मैन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। दोस्तों तो इसके बाद जो तीसरा प्रकार आता है डिजिटल कंप्यूटर में वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। दोस्तों मिनी कंप्यूटर को छोटा नहीं समझना है, नाम से बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत ही तेज है, यानी कि तीसरे नंबर का कंप्यूटर है, अभी चौथे नंबर का आने वाला है, तो इसको लास्ट कंप्यूटर मत समझिए ना ही इसे छोटा कंप्यूटर समझिए। ये देखिए
मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं। इन कंप्यूटर की डाटा भंडारण क्षमता अधिक होती है। देखिए दोस्तों, नाम के बाद जो है क्या खुलासा हुआ, और यह बहुप्रयोक्ता कंप्यूटर होते हैं, इसलिए यह मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति इसे नहीं चलाता, बहुप्रयोक्ता यानी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक कंप्यूटर को चलाते हैं। दोस्तों इन कंप्यूटर की डाटा भंडारण क्षमता अधिक होती है। दोस्तों डाटा की भंडारण की जो क्षमता होती है, डाटा को जो है प्रोसेसिंग करने में, वो इनकी अधिक होती है। वो बहुप्रयोक्ता होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर इस कंप्यूटर को चलाते हैं। दोस्तों तो इन्हें आप छोटा मत समझिए, इनका नाम ही मिनी कंप्यूटर रखा गया है, क्योंकि ये तीसरे नंबर का कंप्यूटर है। इसलिए ये कैसे दिखते ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों तो ये देख लीजिए, इनका जो है मेन फ्रेम जो है इनकी, या फिर इसका जो फोटो है, इमेज है, ग्राफिक्स है, वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार के दिखते हैं ये। दोस्तों हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनसे थोड़े बड़े आकार के होते हैं, मोटे आकार के होते हैं। देखिए इनकी जो कीबोर्ड होता है वो कितना बड़ा होता है, ये देखिए दोस्तों। यहाँ पर ये जो है कई फिल्मों में भी यूज हुआ है। ये आपने क्रिस 3 में देखा होगा दोस्तों, कि इसका जो है रेडियो की तरह होता है और सिग्नल भेजते हैं। तो यही ये जो है मिनी कंप्यूटर के थ्रू होता है दोस्तों ये काम। मिनी कंप्यूटर इतना बड़ा काम करता है, यानी कि सैटेलाइट कंट्रोल का भी जो काम है यहाँ पर मिनी कंप्यूटर कर सकता है। दोस्तों इतना यहाँ से जो है सिग्नल भेजने का काम करता है, सैटेलाइट को कंट्रोल करने का नहीं, यहाँ से जो सिग्नल वगैरह भेज सकते हैं वो इसके थ्रू किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका काम किस में होता है, इसका हमने जो है इसकी परिभाषा पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, इसका फोटो भी देख लिया, लेकिन इसका काम क्या है तो आप जो है इसका काम भी देख लीजिए। तो दोस्तों इसका जो काम होता है वो बड़े बड़े यानी कि छोटे छोटे जितने भी उद्योग है, जितने भी सरकारी संस्थाएं है छोटी छोटी, उनमें जो है इनका यूज होता है। जितने भी आप मशीनरी उद्योग देख रहे हैं छोटे, अभी इस इमेज में देख रहे हैं, या फिर आप सोच लीजिए जितने भी मशीनरी उद्योग देखते हैं आप छोटे छोटे, उन सभी में बहुत सारी मशीनें लगी होती है। तो उन सभी मशीनों को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है मिनी कंप्यूटर। इसीलिए मैंने बोला था मिनी कंप्यूटर नाम समझकर आप उसे छोटा मत समझिए, बहुत ही बड़ा काम करता है ये जितने भी ये मशीन यूज करते हैं, जो रोबोटिक टाइप होती है, रोबोट्स मशीन की टाइप होती है, उन सभी को कंट्रोल जो है मिनी कंप्यूटर करता है। दोस्तों तो मिनी कंप्यूटर के बारे में आपने पूरा का पूरा प्रोसेस या फिर इसका नॉलेज ले लिया है दोस्तों, बाकी कंप्यूटर के साथ, बाकी जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के साथ। इसके बाद जो चौथे प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर में, आप भूल मत जाइए, डिजिटल कंप्यूटर में चौथे प्रकार का जो कंप्यूटर है वो है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी, और आपका जो वहम है वो भी दूर हो जाएगा कि हमारा जो फोन है और कंप्यूटर अलग है। फोन कंप्यूटर के अंदर ही आता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर यानी कि फोन जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, आगे मैं बता भी दूंगा। दोस्तों ये देखिए, डिजिटल कंप्यूटर का चौथा भाग होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में सबसे छोटे कंप्यूटर। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं, ये खुद मैंने बनाई है, आप इसको जो है कहीं से मैंने ढूंढी नहीं है, कहीं से मैंने जो है इसको पढ़कर नहीं लिखा है दोस्तों, ये मैंने अपने मन से लिखी है। तो ये देखिए, ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे और एक सामान्य कार्य के लिए बनाए जाते हैं। इनकी डाटा भंडारण क्षमता बहुत छोटी और सीमित होती है, इसलिए यह माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो दोस्तों माइक्रो का मतलब छोटा हुआ, तो यह कंप्यूटर छोटे या छोटे उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः जो है घरेलू या फिर रोजाना के जो कार्य होते हैं, डेली वर्क होता है, उसके लिए ही बनाए जाते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। और इनकी डाटा भंडारण क्षमता यानी कि डाटा इनमें जो है कम काम करता है, कम प्रोसेस करता है, ज्यादा मात्रा में काम नहीं कर सकता जिस प्रकार से सुपर कंप्यूटर करता है। तो दोस्तों इनकी डाटा लिमिट भी सीमित होती है कि इतना ही डाटा इसमें प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए इनकी इमेजेस। तो दोस्तों आपके सामने ये खुलासा हो ही गया है कि जो हमारे कंप्यूटर आते हैं, जितने भी हम लैपटॉप छोटे छोटे ये जितने भी कंप्यूटर यूज करते हैं आजकल, जितने भी आपने देखे होंगे मित्र वगैरह शॉप पर जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर के भाग है, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं, इन्हें माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है, चाहे वो हमारा फोन हो। आज से आपको पहले पता नहीं था कि हमारा फोन है वो कंप्यूटर, हम सोच रहे थे कि फोन अलग है और कंप्यूटर अलग है, यानी कि फोन को कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता, यानी कि फोन कंप्यूटर का भाग है ही नहीं। लेकिन दोस्तों उसे बनाया गया है, पूरा का पूरा जो इसमें जो पार्ट यूज होते हैं वो कंप्यूटर के ही होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की डिस्प्ले अलग है, उसे जो है बड़े आकार का बनाया गया है, इसलिए उसमें डाटा जो है ज्यादा प्रोसेसिंग होता है और उसमें कम प्रोसेस होता है। लेकिन ये भाग तो माइक्रो कंप्यूटर के ही है दोस्तों, टेबलेट हो या फिर कोई भी अभी उपकरण हो, जैसे डिवाइस हो, टेबलेट हो, फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ये सारे के सारे दोस्तों कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। दोस्तों ये जो है टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर का मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है दोस्तों। तो इसके बाद इनका काम क्या है दोस्तों, अभी हमने इसका फोटो देख लिया, इनकी डेफिनेशन जान ली, काम दोस्तों रोजाना हम काम करते हैं, इसका तो आपको पता ही होगा
जितने भी हम फोन पर बात करते हैं, फोन से काम करते हैं, वर्क करते हैं या फिर कुछ भी नॉर्मल यानी कि जो डेली वर्क होता है हमारा, उसके अंदर जो काम आते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार समझने से इसकी जो है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और इनका पूरा का पूरा नॉलेज एक बार में समझ आ जाता है। तो मैं फिर भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इनका जो उपयोग है सामान्य संचार, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि संचार यानी कि जो आदान प्रदान की चीजें होती है, जैसे कि सोशल मीडिया पर कोई न्यूज वगैरह आई है या फिर कोई भी सेटेलाइट से आपकी जो न्यूज आई है, कुछ भी भेजी गई है, तो ये संचार में आ गए। मनोरंजन यानी कुछ भी देखते हैं, वीडियोस वगैरह, जितनी मूवीज वगैरह जब देखते हैं तो ये मनोरंजन क्या। शिक्षा यानी कि जो जनरल नॉलेज या फिर नॉलेज से संबंधित, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो ये शिक्षा में आ गई। या फिर कुछ भी आप पढ़ाई हो, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो वो भी दोस्तों शिक्षा के अंदर ही आती है। साथ ही इनके उद्देश्य जो है काफी सारी कोडिंग के लिए किया जाता है, कोडिंग लैंग्वेज भी है, जावा वगैरह, C++, इसमें ही निर्माण होता है इनका भी। तो दोस्तों इसके बाद जो लास्ट कंप्यूटर है, ये दोस्तों इस डिजिटल कंप्यूटर के अंदर नहीं है। फिर से दोहराना चाहता हूँ, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर नहीं है दोस्तों। ये आपको बार बार दोहरा के कोई नहीं बताएगा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार है, बार बार कोई नहीं बताएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिजिटल कंप्यूटर के अंदर नहीं है। ये जो तीसरा प्रकार है, हमने पहले जो प्रकार पढ़े थे दोबारा से दोहराऊंगा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, फिर डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार पढ़े। अब ये लास्ट कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर, मैं सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं अभी, जिसके अंदर सुपर कंप्यूटर वगैरह सारे आते हैं। तो एनालॉग और सुपर कंप्यूटर का काम हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों करता है। आप परिभाषा भी इसकी है जो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं डेफिनेशन से पहले ही आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कार्य एक साथ कर सकते हैं, वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से एक सीड्स होता है, बीज होता है, किसी भी मक्के का, बाजरी का, किसी भी जो है बीज होता है, सीड्स होता है, उसी की तरह हम उसे हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो है उसकी क्षमता जो है बड़ी होती है, उसकी जो भंडारण यानी कि वो जो है अनाज होता है, जितना भी उसके अंदर ज्यादा अनाज लगता है, इसका मतलब हाइब्रिड बोलते हैं हम उसे, हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड इसी की तरह ये कंप्यूटर भी है जो हाइब्रिड है, यानी कि इसके अंदर दो कंप्यूटर समा सकते हैं, यानी कि ये दोनों कंप्यूटर का काम एक साथ एक समय के अंदर कर लेता है दोस्तों। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। ये वीडियो भी काफी जो है लंबा हो चुका है और मेरी जो आवाज़ है वो भी थोड़ी है लो हो चुकी है, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारा जो है मैंने बोल लिया अभी। तो एक साथ जो है आप भी जो है एक घंटे तक एक लिमिट में एक साथ बोलेंगे तो आप भी बीच बीच में थोड़ा तो अटकेंगे दोस्तों, ये नॉर्मल चीज़ बात है। तो दोस्तों इतना सारा मैंने अभी ग्राफिक्स बनाया, आपको समझाया, तो आपको ये चीज़ जो है ज़रूर समझनी चाहिए। ये जो दोस्तों है ये लास्ट नॉलेज है, यानी कि ये सब जो है विश्व स्तर का नॉलेज है, यानी कि सारे के सारे जो कंप्यूटर बताए वो विश्व स्तर के, ये नहीं कि ये इंडिया के अंदर यूज होते बाकी देशों में नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हाइब्रिड कंप्यूटर का जो है कैसा दिखता है, हाइब्रिड कंप्यूटर किस प्रकार का दिखता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि ये क्या काम आता है, सुपर कंप्यूटर और जो होता है यानी कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का काम एक साथ कर लेता है। तो ये इसका काम यही होता है, दोनों का काम एक साथ करना, जब दोनों का काम एक साथ एक समय के अंदर कम टाइम में, जो कम टाइम हो तब करना हो, तब हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। बहुत ही महंगे और बहुत ही बड़े क्षेत्रों में यूज होते हैं दोस्तों। तो ऐसा दिखता है, दिखने में भी छोटा है, इसको मॉडिफाई किया गया हाइब्रिड कंप्यूटर को। ये सभी कंप्यूटर में जो है, जितने भी एनालॉग कंप्यूटर थे, डिजिटल कंप्यूटर थे, उनमें जो है ये छोटा सा है, ये छोटा दिखता है और ये जो है दोनों का काम एक साथ कर सकता है एक समय के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसे ही काम कर सकते हैं, आंकलन का काम हो या गणना का काम हो तो ही ये कर सकता है, सारे के सारे काम नहीं कर सकता। कुछ कुछ काम है जो दोनों कंप्यूटर कर सकते हैं वो ये अकेला कर सकता है, क्योंकि इसका आकार भी छोटा है दोस्तों। तो आप ये मत समझ लीजिए जो कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर सुपर कंप्यूटर करता है वो ये कर सकता है, सबका सब पूरा नहीं दोस्तों, आधा आधा कर सकता है। यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर करते हैं उसका ये आधा जो काम है वो एक समय के अंदर कर सकता है, पूरा का पूरा नहीं दोस्तों। यानी कि पूरा सभी जो काम नहीं कर सकता, कुछ कुछ काम है जो एक समय के अंदर दोनों कंप्यूटर का एक साथ कर सकता है। तो आई होप कि जो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।